अटॉर्नी जनरल की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इन चार जजों को मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। जज विवाद पर अटॉर्नी जनरल का बड़ा बयान सामने आया है। चार जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, अटॉर्नी जनरल की ओर से ये बातें रखी गई हैं। आपको बता दें, चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अटॉर्नी जनरल ने साफ किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद को लेकर नहीं करनी चाहिए थी। निपुण सहगल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, क्या कहा गया है अटॉर्नी जनरल की ओर से? देखिए, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो हैं वो लगभग 86-87 साल के हैं और 66 दशक से वकालत में हैं और बहुत सम्मान है उनका। न सिर्फ वकील बल्कि जज भी बहुत सम्मान करते हैं और उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो विवाद है और इसको लेकर जिस तरह से चार जज मीडिया के सामने आए, इसे टाला जा सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम दर्शकों को ये बता दें कि आज अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस और बाकी जजों से बात भी की, हालांकि वो बात उन्होंने क्या की इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ये मसला सुलझा लिया जाएगा और सभी जज, जो 5 वरिष्ठतम जज हैं, चीफ जस्टिस को मिलाकर एक हार्मनी में, यानी एक समन्वय और संतुलन के साथ जो संस्थान है उसके हित में काम करेंगे, तो ये विवाद सुलझेगा, ये उम्मीद अटॉर्नी जनरल ने जताई है, के वेणुगोपाल ने। ये एक बड़ी बात है और उनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया है तब भी ये बात बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ऐसा उन्हें भरोसा है। उन्होंने बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस पूरी जानकारी के लिए। बीच का रास्ता क्या निकलता है इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया है कि कल तक इस पूरे मामले में रास्ता हल निकल जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।